और उसके कारण आज उनको दो दो तीन तीन मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डाला है। साल 2008 में संगे शेरपा जी ने जब स्वच्छता का यह अभियान शुरू किया था तब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन देखते देखते उनके इस नेक कार्यों में युवाओं और ग्रामीणों का साथ ही पंचायत का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलांग में, कई शहरों दूसरों को भी ये उपहार में दें, इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी। हमारे देश में अपनी कला संस्कृति को लेकर एक नई जागरूकता आ रही है, एक नई चेतना जागृत हो रही है। मन की बात में हम अक्सर ऐसे उदाहरणों की चर्चा भी करते हैं, जैसे कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामूहिक पूंजी होते हैं। वैसे ही भेजा जाता है, यहाँ आने वाले पर्यटकों को कपड़े से बने गार्बेज बैग भी दिए जाते हैं ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके। अब बेहद साफ सुथरी हो चुकी इस झील को देखने हर साल करीब 5 लाख पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। सोमगो लेक के संरक्षण के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपा जी को कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। बल्कि सरकार ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे, इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर। पर्यावरण संरक्षण के नेक प्रयास में जुटे लोगों की भी हृदय से प्रशंसा करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रचबच चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने